क्रिया एक इतनी खतरनाक चीज है कि वो आपके अभिप्राय को ढांक लेती है। जैसे एक साधु है और वो कपड़े उतार के नग्न दिगंबर साधु है मान के लो, वो महामिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो जिस तरीके से आहार लेता है, चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, पीछे रख के ऐसा, तो बोलो कितना धार्मिक लगता है, लगता है कि नहीं लगता? बोल देखो देखो जीवों की रक्षा का भाव कितना, जबकि अभिप्राय में महामिथ्यात् विषय भोग वासनाओं का पुजारी है वो, लेकिन वो क्रिया के देख के क्यों कैसा लगता है? अभी कोई अपने सामने 10-20-50 गाथाएं सुना दे प्राकृत की, बोलो समय सार सुना दे, कैसा लगेगा वो आदमी तो? वाह भैया वाह, पूरा समय सार याद है, अरे गजब हो गया सब। और अंदर अभिप्राय में मां मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि ये सब क्रियाएं तो जड़ की हैं और वो छह उपशम ज्ञान है, उसका आत्मज्ञान से कोई लेना देना। एक मुसलमान ने समय सार पे PhD कर ली और वो इतना बढ़िया समय सार पढ़ाता था कि कोई उससे सुने तो कोई 3 काल में नहीं मान सकता था कि मुसलमान होगा, और सब समय लोग ज्ञानी माने उसे, आत्मार्थी माने जब वो पढ़ाता था समय सार, लेकिन जैसे ही एक बजता था नमाज पढ़ने चला जाता। सच्ची बात बिल्कुल, कॉलेज में प्रोफेसर। तो बोले यार ये क्या चक्कर है? बोले आप समय सार पे PhD करी, इतना बढ़िया पढ़ाते हो, समझाते हो, समझते हो, और आप ये क्या है? तो बोले सुनो, समय सार मेरा ज्ञान है और नवाज मेरा श्रद्धान है। समझ में आया कि नहीं आया? वो मेरा ज्ञान है, वो बता सकता हूँ मैं कि कहाँ क्या लिखा है। एक डॉक्टर सिगरेट के सब बता सकता है, कहाँ घाटा कहाँ, लेकिन पी लेता है, खुद पीता है, उससे कहो तुम्हें तो सब पता है, क्या था वो अलग बात है, लेकिन मज़ा पीने में बहुत आता है।